में बेहतर सफलता प्राप्त की थी, आज भी सफलतापूर्वक हर लाभार्थी तक पैसा सीधे पहुंच रहा है। महोदय, डीबीटी के माध्यम से आज 11 विभागों के द्वारा प्रदेश में जिन सेवाओं को पहुंचाया गया है उसमें हम लोग 62 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शन के माध्यम से 70,000 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से प्रदेश की गरीब जनता तक पहुंचाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। और जहां तक प्रदेश के अंदर बैंकिंग सेवाओं की का प्रश्न है तो हम सब जानते हैं कि अर्थव्यवस्था की बैकबोन होती है बैंकिंग सेवा। ये निवेश के लिए, ऋण और बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए एक स्पीड का काम करती है। इस दृष्टि से आज उत्तर प्रदेश एक अग्रणी राज्य बन चुका है। प्रदेश ने बैंकिंग व्यवसाय 16-17 में जो लगभग 12 से 13 लाख करोड़ के आसपास था, आज वो बढ़कर के लगभग 26 लाख करोड़ हो चुका है। प्रदेश में 19,705 बैंक की शाखाएं हैं, लेकिन 2,28,000 से अधिक बैंकिंग क्रॉस्पॉन्डेंट और बैंकिंग क्रॉस्पॉन्डेंट सखी प्रदेश के अंदर आज इस रूप में बेहतर सेवाएं हर गांव में और हर कस्बे में उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहा है। और यही नहीं, आरबीआई के बुलेटिन भी आज इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि बैंक और वित्तीय संस्थाओं से प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए फंड आकर्षित करने में 16% से अधिक जो इन्वेस्टमेंट की हिस्सेदारी है वह आज उत्तर प्रदेश है, जो देश के अंदर शीर्ष स्थान पर है। ये इस नए उत्तर प्रदेश की स्थिति है, जिस उत्तर प्रदेश के वर्तमान प्रगति पर हमारे कुछ मित्रों को आपत्ति है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में 9 करोड़ खातों के साथ उत्तर प्रदेश देश में नंबर एक पर है और इनमें से आधे खाते महिलाओं के। पीएम स्वनिधि योजना में 17 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी व्यवसायी लाभान्वित हो रहे हैं, जो देश में नंबर एक पर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 5,55,00,000 लाभार्थियों के साथ उत्तर प्रदेश देश में नंबर एक पर है। और आईटीआर फाइल करने में, यानी आयकर रिटर्न भरने में उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। जून 2014 में 1,65,000 आयकर रिटर्न उत्तर प्रदेश में फाइल होते थे और जून 2023 में यह बढ़ करके लगभग 12 लाख हुए हैं, यानी 1,65,000 से। यह दिखाता है प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है और वह आईटीआर भरने के लिए स्वतः स्फूर्त भाव के साथ तैयार हुआ है। यह प्रदेश को अगर हम देखेंगे तो 2022-23 की तुलना में राष्ट्रीय फलक पर भी देखेंगे तो राष्ट्रीय आर्थिक विकास की जो दर थी 7.2 रही, जबकि प्रदेश की इस दौरान अगर हम करंट प्राइस में लेंगे तो 14.3% की दर से उत्तर प्रदेश की विकास दर देश के अंदर रही है। महोदय, प्रदेश के अंदर जो हमारी बेरोजगारी की दर भी है, अगर 16 के 17 के पहले हम देखें ये 19% से अधिक थी और आज यह 2.4% है। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि यहाँ पे रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। और इसमें अभी पिछली बार भी मैंने कहा था महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देते हुए मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में निवेश का एक जो बेहतर माहौल बना है उसी का परिणाम है कि 19 फरवरी को हम लोग प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव की ग्राउंड ब्रेकिंग का कार्यक्रम भी लखनऊ में आयोजित करने जा रहे हैं। मोदी, पोटेंशियल उत्तर प्रदेश में था, इसकी क्षमता उत्तर प्रदेश में थी, यहां का युवा उस प्रतिभा से लेस था, उसकी आकांक्षा भी थी, लेकिन कुछ करने की जिजीविषा
स्टेट की लीडरशिप में नहीं थी, उसकी सोच नहीं थी, उसका विजन नहीं था, कर्महीनता की स्थिति थी, नीतिगत जड़ता थी और प्राथमिकता विकास नहीं था, किसान नहीं था, युवा नहीं था, महिलाएं नहीं थी, गरीब नहीं था, उनकी अपनी प्राथमिकताएं थी और उन्हीं प्राथमिकताओं को लेकर के तुलसीदास जी ने एक बात कही और बात कही उन्होंने, सगल पदार्थ एहि जग माही कर्महीन नर पावत, इन्हीं के लिए कहा है, इसी कर्महीनता के लिए, इसी अकर्मण्यता के लिए। और महोदय अगर प्रदेश के अंदर 2024-25 के बजट के बारे में हम देखें तो कुल जो हमारी प्राप्तियां हैं वह 7,21,000 करोड़ रुपए से अधिक की है को हमने यहां पर अनुमानित किया है, जिनमें से 6,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की जो राजस्व प्राप्ति तथा 1,14,000 करोड़ रुपए से अधिक की जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं इसमें हम लोगों ने सम्मिलित किया है। इस बजट की जो सबसे बड़ी बात है वह होगी कि 2,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है वह उत्तर प्रदेश में जैसे राज्य में यह यहां की इकोनॉमी को एक नई दिशा देने वाला साबित होगा, डेवलपमेंट का आधार बनता है, विकसित उत्तर प्रदेश की परिकल्पना को यह साकार करने वाला बनेगा। इन इतने बड़े बजट को प्रस्तुत करने के साथ ही उत्तर प्रदेश ने यह साबित किया है कि उत्तर प्रदेश अपने 72 राजकोषीय प्रबंधन के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश को एक 72 दिशा में अग्रसर कर सकते हैं और राजकोषीय अनुशासन को बनाए रख सकते हैं। FRBM की उत्तर प्रदेश की सीमा यानी देश के अंदर तय की गई है 3.5% की, उत्तर प्रदेश का यह बजट अपने राजकोषीय अनुशासन का पालन करते हुए 3.46% में ये इन सभी चीजों को अपने अंदर समाहित करता है। महोदय हम लोगों के यहां अगर प्रदेश के अंदर इस बजट में जो अन्य तमाम बातें हैं उन सभी पर अगर हम एक एक करके चर्चा करेंगे, खास तौर पर कृषि की जब बात आती है तो प्रदेश में हम लोगों ने इस बजट में तमाम अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग यानी उसके लिए बजट की व्यवस्था की है। जब माननीय नेता विरोधी दल अपनी बात को कर रहे थे तो मुझे आश्चर्य हो रहा था कि वे दिसंबर 2023 के आंकड़ों को सदन में प्रस्तुत कर रहे थे, मार्च 24 के 31 मार्च 24 तक अभी पुराना बजट चलेगा और 31 मार्च तक इस बजट को अभी खर्च होना है। जो बजट आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं 1 अप्रैल से फिर यह लागू होगा, तो कम से कम इतनी जानकारी उनकी होनी चाहिए। 5 साल तक प्रदेश ने आपको यहां देखा है, झेला है, तो स्वाभाविक रूप से इतना तो आपको पता लगना ही चाहिए कि यह बजट आज के लिए नहीं तय हो रहा, यह 1 अप्रैल से ये लागू होगा। दूसरा, आजादी के अमृत काल में और अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत देश की 5th इकोनॉमी बना, हर भारतवासी को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, लेकिन इस पर भी उनको आपत्ति है। यानी भारत हमारा देश दुनिया की एक आर्थिक शक्ति बन रही है और उस ब्रिटेन को हम लोगों ने पछाड़ा है जिस ब्रिटेन ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया था, उसको पछाड़ करके भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में।
इसके प्रति आभार और अभिनंदन के शब्द कहने की बजाय इसको ही हम कटघरे में खड़ा करें तो ये बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है। और वे आज भी एक तो आंकड़े वे दिसंबर 2023 के प्रस्तुत कर रहे हैं, जब हम लोग अप्रैल 2024 की चर्चा कर रहे हैं तो वह आंकड़े वहां के प्रस्तुत कर रहे हैं। 250 इकोनॉमी बनने में भी उनको संदेह है। उत्तर प्रदेश हर फील्ड में नंबर एक का बने, इसमें भी उनको आपत्ति है। ले चलो, आप अध्यक्ष जी के तो ऑफर को पहले ही डिनाई कर चुके हैं। ओह, मैंने कहा ना, अध्यक्ष जी ने आपको एक आमंत्रण दिया, आपने उसको नकार दिया। और अयोध्या आप जाना नहीं चाहते, ब्रिटेन तो आप अक्सर जाते ही हैं, ब्रिटेन तो आप अक्सर जाते हैं, और आपके टिकट कौन बुक कराता है ये भी आपको पता है। ट्रैवल एजेंट ही कराता होगा, ट्रैवल एजेंट ही कराता होगा। अरे कोई ना कोई ट्रैवल एजेंट कराता होगा। तो महोदय फिफ्थ इकोनॉमी में भी इनको संदेह है, उस पर हर्ष और गौरव होने की बजाय देश की आर्थिक महाशक्ति बनने पर। और याद रखना जो मैंने पहले कहा, मोदी जी के ही नेतृत्व में अगले 3 वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। तीसरे कार्यकाल में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, मुझे लगता है किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए, हर भारतवासी को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। 1 ट्रिलियन डॉलर का रोड मैप क्या है उस पर भी हम लोग आएंगे। महोदय कृषि सेक्टर में पिछले 7 वर्ष के अंदर जो कार्य हुआ, मैंने परसों भी यहां पे कहा था, गन्ना किसानों के लिए 22 वर्ष में उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को 2,03,000 करोड़ रुपए का कुल भुगतान हो पाया था। और पिछले 7.25 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को अब तक 2,35,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके खाते में जा चुकी है। प्रदेश में गन्ने का दायरा बढ़ा है। कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी प्रदेश के अंदर इस बार भी हम लोगों ने गन्ना किसानों के मांग के अनुरूप हम लोगों ने प्रति क्विंटल गन्ने का दाम भी बढ़ाया है। और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने कोरोना कालखंड में भी अपनी सभी चीनी मिलों को चलाया है, लगातार चला रहे हैं। यहां तक कि छपरौली की चीनी मिल चौधरी साहब की कर्म भूमि की चीनी मिल थी। चौधरी साहब के नाम पर राजनीति बहुत सारे लोगों ने की होगी, लेकिन चौधरी साहब के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए हमारी सरकार ने आने के तत्काल बाद छपरौली चीनी मिल के एक्सपेंशन के लिए और उसके मॉडर्नाइजेशन के लिए हमारी सरकार ने पैसा दिया। और मुझे प्रसन्नता है छपरौली चीनी मिल आज पूरी क्षमता के साथ आज काम कर रही है। लगातार सरकार इस पे कार्य कर रही है। प्रदेश के अंदर प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, इस पर भी डबल इंजन की सरकार ने ही काम किया। और प्रोक्यूरमेंट की नीति के तहत बिचौलियों से मुक्त, मध्यस्थ से मुक्त, किसानों से सीधे क्रय सरकार करेगी। आज यह व्यवस्था प्रदेश के अंदर भी पूरी प्रभावी ढंग से लागू है। प्रदेश के अंदर चाहे वह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 2,62,00,000 किसानों को 63,000 करोड़ रुपए की राशि प्रदेश के किसानों को प्राप्त हुई है, सीधे डीबीटी के माध्यम से पैसा उनके अकाउंट में जा रहा है। और यही नहीं, लगभग 23,00,000 हेक्टेयर लैंड को सिंचाई की अतिरिक्त क्षमता भी पिछले 7 वर्ष में डबल इंजन सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम है। महोदय इस बजट में खेत सुरक्षा योजना के लिए भी धनराशि का प्रावधान है। राज्य कृषि विकास योजना के लिए भी
अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के अन्नदाता किसानों के लिए जो निजी नलकूप हैं वहां से फ्री में बिजली उपलब्ध कराई जा सके, इसके लिए भी 2400 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। ग्लोबल वार्मिंग का असर हमारी खेती किसानी पर न पड़े, इसके लिए ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ऑटोमेटिक रेन गेज की स्थापना के लिए धनराशि की व्यवस्था हर ग्राम पंचायत में लग सके, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था इसमें है। ऑर्गेनिक कल्चरल लैब, ट्यूशू लैब और एग्री टूरिज्म सेंटर की स्थापना के लिए भी धनराशि का प्रावधान इस बजट में किया गया है। इसके साथ ही विभिन्न जनपदों में 6600 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण और डार्क जोन में स्थित 5569 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण के कार्य के लिए भी यहां पर बजट की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में इन सभी कार्यों को करने के बाद ये समयबद्ध तरीके से जिस दिन कार्य होंगे तो प्रदेश के अंदर 1,33,000 हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा इससे प्राप्त होगी प्रदेश के अन्नदाता किसानों को। मध्य प्रदेश के अंदर इसके अलावा प्रदेश के अंदर नहरों और सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी के लिए भी धनराशि की व्यवस्था इसमें अतिरिक्त की गई है। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत प्रदेश में जितने भी ट्यूबवेल हैं सोलर पैनल लगा करके वहां पे अन्नदाता किसान को हम राहत दे सकें, इसके लिए भी लगभग 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की गई है। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था के लिए भी जल स्तर के को मेंटेन करने के लिए यह ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग और चेक डैम आदि के लिए भी धनराशि में बजट का प्रावधान किया गया है। उद्यान और खाद्यान्न प्रसंस्करण के लिए भी इस बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। इसके अलावा नए डेयरी प्लांट, गो आश्रय स्थलों के संचालन, पशु रोग पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए और प्रदेश में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए भी धनराशि की व्यवस्था के साथ साथ एक्का पार्क के निर्माण के लिए भी बजट का प्रावधान इस बजट में किया गया है। एग्रीकल्चर सेक्टर इन सभी चीजों के साथ यहां पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर हम सब इस बात को जानते हैं कि अवस्थापना और औद्योगिक विकास की जो ग्रोथ है वह दो बातों पर निर्भर करती है, एक स्टेबिलिटी पर, दूसरा सस्टेबिलिटी पर। और ये ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक है। आज प्रदेश सरकार ने इस दिशा में तेजी के साथ आगे कार्य किया है। 46 वर्ष के बाद बुंदेलखंड में कानपुर झांसी के बीच में हम लोग बुंदेलखंड क्षेत्र में एक नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ा चुके हैं। यानी 46 वर्ष के बाद प्रदेश में एक नया औद्योगिक शहर आएगा और इसके लिए हम लोगों ने सभी औपचारिकताओं को पूर्ण किया है, बजट का प्रावधान इसमें किया गया है। प्रदेश में पहली बार सेमीकंडक्टर के महत्व को हम सब जानते हैं कि जितने भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, एक छोटी सी चिप हमारे कंप्यूटर को, मोबाइल फोन को, टेलीविजन को, या हमारा लैपटॉप है, या आज कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, अन्य सभी, उन सभी क्षेत्र में उसकी अपनी एक भूमिका है। और इसके लिए उत्तर प्रदेश ने अपनी सेमीकंडक्टर की पॉलिसी भी लागू की है। इसके लिए हमारे पास तमाम प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिन पर कार्रवाई आगे बढ़ रही है, जिन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। FDI और फॉर्चून इंडिया 500 कंपनियों के लिए भी एक नई पॉलिसी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लागू की है। महोदय, किसी भी राज्य द्वारा बड़े पैमाने पर वैश्विक निवेश को आकर्षित करने का यह किसी राज्य के द्वारा किया गया पहला प्रयास है। यह पहली पॉलिसी देश के अंदर आई है और इसके लिए हम लोगों ने बजट में भी धनराशि की व्यवस्था की है। मुझे एक बात बताने की प्रसन्नता है
कि पिछले 7 वर्ष के अंदर कुछ अच्छे परिणाम हमारे सामने आए थे और उसके बाद जो सुझाव और जिस प्रकार के हमारे सामने कुछ कठिनाई आ रही थी उसके बाद हम लोगों ने पॉलिसी भी हम लोग लेकर के आए। मैं परसों यहाँ पर देख रहा था, एक माननीय सदस्य ने यहीं पे प्रश्न किया था जिसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि FDI या Fortune 500 के बारे में इसकी प्रोग्रेस क्या है और राज्य के अंदर इसका किस रूप में लाभ मिल सकता है या इससे पहले क्या नहीं हुआ था। और मैं उनको बताना चाहूंगा कि 1996 से 2017 तक 22 वर्ष में केवल 200 करोड़ का FDI यूपी में आया था और 17 से 23 के बीच में 2300 करोड़ रुपए से अधिक का FDI अभी तक यूपी में आ चुका है और इस नई पॉलिसी के बाद एक नए द्वार खुलेंगे FDI के लिए भी और उससे होने वाले निवेश के माध्यम से नौकरी और रोजगार की एक नई संभावना प्रदेश के अंदर विकसित होगी। महोदय, प्रदेश के अंदर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यह हमारी सरकार का सौभाग्य है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य हम पहले ही पूरा कर चुके हैं। प्रदेश के अंदर अन्य एक्सप्रेसवे के कार्य के साथ साथ आज हम लोगों ने मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे के लिए भी व्यवस्था की है और हमारा प्रयास है कि प्रयागराज कुंभ के पहले हम इस एक्सप्रेसवे को यातायात के लिए प्रारंभ कर सकें। इसके लिए सरकार के स्तर पर बेहतर प्रयास प्रारंभ हुए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने के लिए भी एक लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की गई है। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए भी धनराशि की व्यवस्था वर्तमान वर्ष के सापेक्ष 33% तक धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की गई है और MSME में प्रदेश के अंदर जो किसी भी इकोनॉमी का खासतौर पर बड़े निवेश का जो बैकबोन होता है वह MSME का क्लस्टर उनके पास किस रूप में मौजूद है इस पर निर्भर करता है। ये रोजगार और की संभावनाओं को भी अधिक से अधिक रोजगार के सृजन की संभावना भी इससे बनती है और इस सेक्टर में जो 2017 के पहले लगभग पूरी तरह उपेक्षित सा था आज वह 2016-17 तक प्रदेश में कुल 28,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरण होता था MSME सेक्टर को, क्योंकि जो हमारा पोटेंशियल था, जो प्रदेश के अंदर संभावनाएं थी, उस फील्ड की उपेक्षा की गई, उसको हतोत्साहित किया गया। परिणाम क्या था? ये बंदी के कगार की तरफ जा रहा था। आज प्रदेश ने जब थोड़ा भी उसमें प्रोत्साहन दिया, अभी हम लोगों ने 22-23 में 1,60,000 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध MSME यूनिट को प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराया है। जो पहले केवल 28,000 था, आज 1,60,000 करोड़ पहुंचा है और 24-25 के लिए हम लोगों ने इस लक्ष्य को 2,91,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया। महोदय, आज इस बजट में एक नई स्कीम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को भी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो प्रदेश के हमारे नए उद्यमियों को, जिनको हम एक निश्चित व्यवस्था के तहत जिनका हम प्रशिक्षण करवाएंगे, उन्हें उद्यम लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। पहले चरण में 5,00,000 रुपए तक की ऋण यानी ब्याज मुक्त ऋण उन्हें उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हम इसके साथ करेंगे और इस राशि को जैसे ही उनका भुगतान होगा तो फिर उसको 7,50,000 रुपए तक की, फिर उसके बाद 10,00,000 रुपए तक की व्यवस्था के साथ हम उसको जोड़ने का काम करेंगे। 1,00,000 युवा उद्यमी इसके साथ जुड़ेंगे और इस कार्यक्रम को इस बजट के पास होने के बाद अप्रैल से हम प्रदेश के अंदर इसको लागू कर देंगे। दूसरा है उत्तर प्रदेश रोजगार प्रोत्साहन कोष। इसके माध्यम से भी प्रदेश के अंदर जो उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, उनके ट्रेनिंग के लिए, इंटर्नशिप के लिए, अप्रेंटिसशिप के लिए वित्त पोषण और रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, उनको सेवा आयोजित करने के लिए भी इस स्कीम को
प्रदेश के अंदर हम लागू कर रहे हैं। पहली बार उत्तर प्रदेश ने 10 फ्लेश पार्क